ओके हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं? सॉरी गाइस, मैं काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल IIIT सर्विसेज में वेलकम करता हूँ। तो गाइस, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैलकुलेटर के अंदर कैसे आप डेट ऑफ बर्थ से लेकर और आज की तारीख में कितनी उम्र आपकी है, कितना उम्र, कितना दिन, कितना हो, वो पूरी डिटेल आप कैलकुलेटर के जरिए निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। अब निकालने के लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट पे क्लिक करिए। स्टार्ट पे जाने के बाद आल प्रोग्राम पर जाइए, उसके बाद यहाँ पर आएगा एसेसरीज, कैलकुलेटर को लीजिए। मैंने आपको कैलकुलेटर के बारे में बताया कि कैसे आप निकाल सकते हैं। आपको स्टार्ट पे क्लिक करिए, आल प्रोग्राम पे जाइए, एसेसरीज के अंदर जाइए और कैलकुलेटर को ओपन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से आने के बाद अब आपको क्या करना है, व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पर डेट कैलकुलेशन का यूज़ करना है। जैसे ही आप डेट कैलकुलेशन का आ जाएगा, यहाँ पर आपसे पूछेगा कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन टू डेज। अब आपको एक डेट, कब से कब की डेट चाहिए? तो गाइस, मैं एक डेट आपको कोई भी एक ईयर मैं उठा लेता हूँ, कोई भी एक बहुत पुराना डेट, ऐसा करता हूँ मैं 90 ले लेता हूँ और ये 91 जनवरी 1, यानी 1 जनवरी से 91 से लेकर आज की तारीख में कितना साल, कितना महीना, कितना हफ्ता, कितना दिन हो, ये टोटल आप और कितना डिफरेंसेस है वो आपको यहाँ आ जाएगा। जैसे आप करने के बाद कैलकुलेटर क्लिक करोगे तो ये आपका लिख कर दे देगा कि 29 साल 5 महीना 1 हफ्ता 5 दिन ये टोटल पूरा हुआ है। अभी गाइस ये 29 ईयर आपको समझ में आ रहा होगा। 5 मंथ भी आप देखे होंगे तो कुछ क्लियर, क्योंकि जून चल रहा है और ये मिला के इसके बीच में निकाला, ये समझे। हफ्तों में भी आपने देखा होगा कि 13, इन दोनों के बीच में कैलकुलेशन किया है इसने। और डेज को कैसे कैलकुलेशन, डेज को इसलिए कैलकुलेशन किया होगा कि ये हो सकता है पहली तारीख जो है आपकी ट्यूजडे रही हो, इसके लिए उठाया। और टोटल दोनों में डिफरेंस कितना, वो टोटल डिफरेंस यहाँ पर बता दिया है 10,756 डेज। अब मैं इसी को दूसरे वे में लेकर चलता हूँ कीबोर्ड से। कीबोर्ड से करने के लिए विंडो आर दबाइए, यहाँ पे लिखिए CALC, कैलकुलेटर का शॉर्ट फॉर्म लिखिए तो खुलकर सामने आ जाएगा। एक बार और दिखाता हूँ, विंडो आर दबाइए और यहाँ लिखिए CALC, और जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अल्ट के साथ व्यू लीजिए, ये आपका आ गया। अब इसको मुझे कीबोर्ड से लाना, अल्ट के साथ वी डेट, अब ये डेट आपका आ गया, ये तमाम डेट है, कौन सी तारीख चाह रहे हैं। मैं और पुरानी डेट चाहता हूँ, जैसे 15 अगस्त 1947 से अब तक की डेट चाहता हूँ, 14 अगस्त जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ वो डेट मैं आगे चाह रहा हूँ, 1947, यानी तब से लेकर आज तक कितने डेट का कैलकुलेशन है वो मैं आप यहाँ पर, 72 साल हो गए, 9 महीना 4 हफ्ता 1 दिन टोटल हो गए 26,601 डेज टोटल कंप्लीट हो चुके हैं। होप यू गाइस मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको डेली बाई डेली वीडियो में अपलोड करूँ, इसी तरीके से बेसिक जानकारी आपको देता रहूँ। तो गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू, गुड लक अपनी।